नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। चर्चा एसपी बीएसपी गठबंधन की सियासी ताकत पर। मंगलवार को मायावती का 63वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव बधाई देने के लिए मायावती के घर पहुंचे। इस खास मौके पर मायावती नए जोश और तेवर में नजर आईं। साथ ही ये भी खबर है कि अखिलेश यादव बुधवार को आरएलडी नेता जयंत चौधरी से दिल्ली में मुलाकात करेंगे और सीटों के बंटवारे पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये गठबंधन अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? क्या सच में बीजेपी के कब्जे से बड़ी संख्या में सीटें छीन पाएंगे या फिर 25 साल बाद हुआ ये सियासी गठजोड़ फिसड्डी साबित होगा? इन्हीं सब मुद्दों पर हम अपने मेहमानों की राय जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। ये गठबंधन का गुलदस्ता है। ठीक ऐसा ही गुलदस्ता 12 जनवरी को भी अखिलेश यादव ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती को दिया था। उस दिन दोनों पार्टियों के बीच 2019 के चुनाव में गठबंधन का ऐलान किया गया था और मंगलवार को एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मायावती को उनके 63वें जन्मदिन के मौके पर शुभकामनाओं के तौर पर ये गुलदस्ता भेंट किया। बसपा प्रमुख मायावती को उनके जन्मदिन की बधाई देने के लिए अखिलेश यादव उनके आवास पर पहुंचे हैं और बाकायदा अखिलेश यादव अपने सहयोगी राजेंद्र चौधरी के साथ हाथों में गुलदस्ता लेकर पहुंचे। हालांकि मायावती ने बाहर ही निकलकर अखिलेश यादव का वेलकम किया। जब से दोनों दलों का गठबंधन हुआ है, लगातार दोनों दलों के रिश्ते जो है वो मधुर होते जा रहे हैं। जुगलबंदी का असर जन्मदिन के मौके पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती पर दिखा। उन्होंने अपने सियासी संघर्षों पर लिखी गई किताब ब्लू बुक का विमोचन भी किया, साथ ही कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है। बीएसपी व सपा के भी लोगों से ये पुरजोर अपील करती हूँ कि वे इस चुनाव में अपनी पार्टी एवं देश में आम जनहित में अपने पुराने सभी गिल्ले सिकवे भुला के अपने बने इस गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को जरूर ऐतिहासिक कामयाबी दिलाएं। खबर है कि बुधवार को दिल्ली में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी से मुलाकात करेंगे और सीटों के बंटवारे पर बात करेंगे। चर्चा ये भी है कि आरएलडी 4 सीटों की मांग कर रही है। ऐसे मौके पर एसपी के दूसरे नेता जोश में हैं और बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। आज वो पछता इसलिए रहे कि उन्होंने जनता की बात नहीं की है और हम दोनों देखिए मिलके जनता के साथ खड़े हैं। उनको लगता है कि कोई कैसे मिल सकता है क्योंकि हम भाईचारे में जीते। वहीं कांग्रेस को भी गठबंधन में खतरा नहीं दिखाई देता है, बल्कि उसकी नजर में भी दुश्मन नंबर एक बीजेपी ही है। कांग्रेस इस गठबंधन को अपने लिए चुनौती नहीं मानती। कांग्रेस चुनौती मानती है बीजेपी और बीजेपी की, जो समाज को तोड़ने और हमारे एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी के खड़ा करने की जो राजनीति है, और इस राजनीति के अगेंस्ट कांग्रेस को जाना है। दूसरी ओर बीजेपी अपने सियासी विरोधियों को लेकर चौकन्नी है और विकास के दम पर फिर से जीत का दावा कर रही है। हम गरीबोन्मुखी कार्यक्रम किए हैं भारत की केंद्र की सरकार ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने, किसान के हित में, नौजवान के हित में जो काम किए हैं उसके आधार पर हम चुनाव जाएंगे और क्राइम, करप्शन और कुशासन के इस गठबंधन को फिर से उसी हस्त्र में पहुंचाएंगे जो 2014 और 17 में हुआ था। एसपी बीएसपी को गठबंधन के बाद जीत मिलेगी या नहीं, इसकी भविष्यवाणी करना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि मुकाबला जोरदार होगा। लखनऊ से निखिल शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। और इस मुद्दे पर हमारे मेहमानों की क्या राय है वो जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आज का हमारा सवाल क्या है जिस पर आपको अपनी राय देनी है। सवाल है कि क्या यूपी में गठबंधन कमाल कर पाएगा, ये हमारा आज का सवाल है। आप ट्वीट कर अपनी राय दे सकते हैं। कार्यक्रम के आखिर में हम साझा करेंगे कि कितने फीसदी लोगों का क्या कुछ मानना है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। इंद्रजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रदेश प्रवक्ता हैं आरएलडी के। डॉक्टर उमाशंकर पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आईपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं। इसके अलावा कपीश श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। कपीश श्रीवास्तव जी, बीजेपी आपके गठबंधन को चुनौती नहीं मानती है और जिनके लिए आपने 2 सीटें छोड़ी कांग्रेस पार्टी, वो भी इस गठबंधन को कोई चुनौती नहीं मानती है। क्या इसके पीछे का कारण यह है कि दोनों ही पार्टियों को यह पता है कि नेता तो मिल गए हैं लेकिन कार्यकर्ता आपस में नहीं मिलेंगे? सीधे शब्दों में कहें तो क्या आपका गठबंधन गुल खिलाएगा? नहीं, हमारा जो हमारा गठबंधन है
वो गोली ही नहीं खिलाएगा, पूरा हिंदुस्तान में गुलिस्तान फैलाएगा और सुरभि युक्त पुष्पों का जन्म देगा, यानी कि विकास रूपी। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये जो कहते हैं, इनके चेहरे पे उसके उल्टा रिएक्शन दिखाई देता है। इनके चेहरे पे साफ दिखाई देता है कि इनकी रातों की नींद हराम हो गई है इस गठबंधन से। और अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो तमाम जो ये उठा पटक उठा कसरत कर रहे थे, इनका राष्ट्रीय अधिवेशन था लेकिन उसमें विकास की बात न करके केवल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर बात की गई है। ये सारी बातें इस बात को साबित करती हैं कि समाजवादी पार्टी और बसपा का जो एक मजबूत गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, इसने देश के अंदर एक जबरदस्त धमक रखी है जिससे सारे दल इस बात को जान रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो कि दिल्ली की कुर्सी को तय करता है उत्तर प्रदेश, इसकी चाबी समाजवादी पार्टी और बसपा के हाथों में आ चुकी है। देश की जनता कांग्रेस के बारे में कुछ भी कहने से बच क्यों रहे? पार्टी के साथ अखिलेश यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बच रहे थे और कपिल श्रीवास्तव भी यहाँ पर बच रहे हैं। कांग्रेस भी तो आपको कोई चुनौती नहीं मानती है? नहीं, किस चीज के लिए? नहीं, कांग्रेस चुनौती माने ना माने, देखिए उनकी नीतियों का विरोध हम जरूर करते हैं लेकिन जहां तक हम लोग के विचारों का आधार है तो वो सांप्रदायिक दल नहीं है। हमको लड़ना है सांप्रदायिकता के विरुद्ध। कांग्रेस हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं। तो फिर एकजुट क्यों नहीं हो पाए? पार्टी के लिए जहां तक बात, यूपी के लड़के 2017 में जो साथ आए वो 2019 में अलग क्यों हो गए? वो साथ आप लोगों को आपस में क्यों नहीं पसंद आया? देखिए, नहीं, साथ पसंद आया ना पसंद आने की बात नहीं है। हमारा जो गठबंधन हुआ है ये जनता की दृष्टि से किया गया गठबंधन है। जनता जिन दलों को साथ में लेकर के आगे चलना चाहती थी उत्तर प्रदेश के अंदर, इसलिए हमें जनता की आशा के अनुरूप इस गठबंधन को बढ़ाना पड़ा है। हम तो जनता के हिसाब से चलेंगे। जनता से कोई राय शुमारी करवाई क्या आप लोगों ने? इसी प्रदेश की पार्टी कार्यकर्ताओं से कोई राय शुमारी करवाई आप लोगों ने? आप आपस में गले मिल गए, आपने तय कर लिया कि यहाँ हम गठबंधन करेंगे, क्या समाजवादी पार्टी और बीएसपी के कार्यकर्ताओं से भी कोई राय शुमारी कोई सर्वे करवाया गया क्या आप लोगों की तरफ से कि भाई आप लोग भी गले मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? इसमें मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, समाजवादी पार्टी की बात कह सकता हूँ। हमारी जो समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता अकेले कपिल श्रीवास्तव से समाजवादी पार्टी नहीं बनती है ना, है और इंद्रजीत सिंह जी कार्यकर्ता है। महागठबंधन बन रहा था, महागठबंधन से गठबंधन तक आ गए लोकसभा, और इस गठबंधन में आप होंगे या नहीं होंगे अभी तक स्थिति साफ नहीं है। चार सीटें छोड़ी गई हैं, क्या चार सीटों से आप संतुष्ट हो जाएंगे? क्या चर्चा चल रही है, क्या तस्वीर सामने आएगी? देखिए, बात यह है, हमारी पार्टी का मिशन और हमारी पार्टी जिस आधार पे काम करती है, हमारा आधार है किसान, देश का किसान मजदूर। हमारे साथ जो हमारे हित की बात करेगा, किसानों की बात करेगा, किसान को सही मूल्य मिले, किसान की कीमत, गन्ने की कीमत उसका भुगतान हो, मजदूर की बात हो, हम उसके साथ हैं। और गठबंधन कम सीटों पे ज़्यादा करना ये तो हाईकमान का काम है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल का अपना एक आधार है, अपना एक वोट बैंक है, उसका आधार है किसान। और किसान की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। हम किसान की आवाज़ को, हमारा हाईकमान किसान की आवाज़ को लड़के आज तक यहाँ तक पहुँचा है। चौधरी चरण सिंह जो विरासत दे गए थे उसको चौधरी अजीत सिंह जी ने आगे बढ़ाया है। जी, कभी आप बीजेपी के साथ होते हैं, कभी आप कांग्रेस के साथ होते हैं, आप ये कह रहे हैं कि आपकी लड़ाई किसानों की है, आपकी लड़ाई नौजवानों की है, आपकी लड़ाई बेरोजगारों की है, आपकी लड़ाई अपनी है, इसको भी तो ईमानदारी से मानिए ना। मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। देखो, दल बड़ा हो जाना या छोटा हो जाना, आज जितने भी दल बने हैं ये निकले कहाँ से हैं? इनका मेन आज चौधरी चरण सिंह जी को हर मौके पर याद करा जाता है, आधार तो वही है ना। ये समय समय के अनुसार समीकरण बदलते रहती हैं। को पार्टियां, एक कांग्रेस पार्टी है जिसका देख लो, अब देश में 10 साल उन्होंने राज करा और 44 पे आ गए। ये जनता है, जनता जब छली जाती है, जनता के साथ जब धोखा होता है, वो साइलेंट तरीके से मत डाल के अपना 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 अधिकार बता देती है कि हमारे में क्या ताकत है। अभी 3 स्टेटों में बताया और किसानों ने सबसे ज्यादा बताया, किसान इग्नोर हुआ, किसान को गन्ने की कीमत नहीं मिली, किसान की आत्महत्या की संख्या बढ़ी, किसान को गन्ने की कीमत नहीं मिली, उन्होंने हल्ला नहीं मचाया, उन्होंने शोर नहीं मचाया। ताकत का एहसास आपको भी बखूबी हो गया होगा क्योंकि अब आप अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं देखो, जिस जनता ने, जिस किसान ने चौधरी अजीत सिंह को इतना बड़ा नेता बनाया,
वो किसानों को ही भूल गए, ये तो मानेंगे ना। किसानों की लड़ाई लड़ते हुए आप अब कोई अपनी लड़ाई लड़ रहे कोई भी आदमी आज चौधरी अजीत सिंह जी के ऊपर जैन जी के ऊपर को उंगली नहीं उठा सकता ना, उंगली नहीं उठा सकती। गले मिल गए हैं क्या, दिल भी मिलेंगे क्या? और अगर मान लीजिए नेताओं के दिल मिल भी गए तो क्या कार्यकर्ताओं के भी दिल मिल जाएंगे क्या? वो कार्यकर्ता जो दशकों से एक दूसरे से लड़ते आ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ ही मैदान में उतरते आ रहे हैं। विनोद सर, अच्छा मुझसे पूछा, देखिए एक बात समझिए कि 1993 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ था जब काशीराम जी और मुलायम सिंह जी ने किया था। 25 साल बाद अखिलेश यादव जी ने और मायावती जी ने दोनों दलों का गठबंधन किया है। 25 साल में एक पूरी पीढ़ी बदल जाती है और ये दोनों दूसरी पीढ़ी के नेता हैं। मुलायम सिंह जी और काशीराम जी पहली पीढ़ी के नेता थे। एक पूरी पीढ़ी जिन लोगों ने, जो लोग उस समय नेतृत्व में थे दोनों पार्टियों में, वो आज नेतृत्व में कहीं नहीं है, सिर्फ मायावती जी को छोड़ करके बसपा में। बाकी कांशीराम जी के जमाने का कोई नेता इस समय बसपा में नेतृत्व की दूसरी पंक्ति में नहीं है। अखिलेश यादव जी के साथ सिर्फ रामगोपाल यादव जी हैं पुराने लोगों में, बाकी सब साइडलाइन है। तो एक तरह से नई पीढ़ी ने ये फैसला लिया है नेताओं की कि हम एक साथ लड़ें। और जहाँ तक कार्यकर्ताओं की बात है तो कार्यकर्ता दोनों दलों का एकजुट हुआ है। इसका पहला जो है नमूना फूलपुर, गोरखपुर, नूरपुर और कैराना था, इसीलिए वो चुनाव जीते। और कार्यकर्ताओं के दबाव में ही नेताओं को भी एक होना पड़ा। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ता इस उत्साह में आज भी मायावती जी घर के बाहर जो है जो खुशी प्रदर्शित कर रहे थे, ताज होटल में जब भारत जनता पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब भी खुशी प्रदर्शित की। और सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यकर्ता सपा का भी और बसपा का भी वो सत्ता से बाहर है, उसको सत्ता की हिस्सेदारी चाहिए। 2017 तक समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, 2012 तक बसपा सत्ता में थी, आज दोनों सत्ता से बाहर हैं। उनके कार्यकर्ता और नेताओं को सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, और सत्ता में हिस्सेदारी तभी हो सकती है जब एक दूसरे से मिल करके लड़ें, जो बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव के कार्यकर्ताओं ने किया था, तभी वो बीजेपी को वहां हरा पाए थे। वो बात की घटनाक्रम अलग बदल गए अलग बात है। तो इसलिए ये कहना कि कार्यकर्ताओं में एकता नहीं होगी, मुझे लगता है ये राजनीतिक विश्लेषण सही नहीं है, क्योंकि जिन कार्यकर्ताओं में झगड़े थे वो पूरी पीढ़ी बदल चुकी है। नहीं सर, ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि दोनों ही पार्टी अध्यक्षों की तरफ से बार बार कार्यकर्ताओं को ये कहा जा रहा है। जितनी बार भी मीडिया के सामने आए उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ये समझ लें कि इनका अपमान मतलब मेरा अपमान, इनका सम्मान मतलब मेरा सम्मान, इसको अच्छी तरीके से कार्यकर्ता समझ लें। तो जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ताओं को सीधे तौर पर संदेश दिया जा रहा है। मैं आईपी सिंह के पास जाऊंगा। आईपी सिंह जी, आप इसे ठगबंधन कहें, आप इसे लठबंधन कहें, जो आपकी मर्जी हो आप कह लीजिए, लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि गठबंधन आपके लिए चुनौती होगा, क्योंकि अगर एसपी बीएसपी के ही वोट परसेंट को अगर हम जोड़ दें 2014 में भी और 2017 में भी, तो आपके बराबर पहुंच जा रहे हैं वो। नहीं, 17 में तो ज्यादा हो जाते हैं, 17 में ज्यादा हो जाते हैं बल्कि। हाँ देखिए अमित जी, विनोद जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं लगातार जब लेखन भी पढ़ता रहता हूं और उनके विचारों को भी मैं सुनता हूं। अब भारत एक लोकतांत्रिक देश है और राजनीतिक दलों को हक है कि वो जब चाहे तब वो गठबंधन करें, लेकिन मायावती जी को लेके ये कहा जाता है, जो परसेप्शन सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में है, कि बहुत टफ पार्टनर है मायावती जी। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के भद्र पुरुष थे, पंडित जी ने 24 दलों को लेकर राजनीति करी, पंडित जी ने इन्हें 3 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का अहम फैसला लिया। मायावती जी को प्रोटेक्शन देने की बात थी जब मायावती जी के ऊपर अटैक हुआ स्टेट गेस्ट हाउस कांड में, उसमें पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी लखनऊ से माफी चाहूंगा आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लगातार समाजवादी पार्टी और बीएसपी अपने गठबंधन को कैसे आगे बढ़ाएगी, सुनिए तो सही सर, और कीजिए मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, वो अपने गठबंधन को कैसे आगे बढ़ाएगी, उसमें जो चुनौतियां आएंगी, जो मतभेद होगा, जो मनभेद होगा, उसे कैसे दूर करेंगे, वो उनका काम है, छोड़ दीजिए उनके ऊपर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके सामने एक बड़ी चुनौती तो खड़ी हो गई, इसको आप ईमानदारी से स्वीकार करिए, इससे निपटने की आपकी तैयारी क्या है? अभी बोल पाया हूँ, एक मिनट बोल पाया, मैं कंक्लूड कर लूं। मायावती जी कल तक ये कहती रही कि ये गुंडों की पार्टी है और गुंडों से अगर निपटना है तो कहती थी चढ़ गुंडन की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर, यह नारा था। और ये नारा 2017 तक क्या क्या नहीं हुआ, एक दूसरे को मैं उन शब्दों का गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता जो दोनों दलों ने किया। माफ कीजिएगा मुझे, फिर आपको रोकना पड़ रहा है, जनता पार्टी। हाँ यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्या कह रहे हैं वो लोग एक दूसरे को, उस पर मत जाइए। मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि नूरपुर, कैराना,
फूलपुर और गोरखपुर में जो कुछ हुआ, क्या उससे आप लोगों ने कोई सबक लिया है या अब भी आप ये मानकर चल रहे हैं कि इस गठबंधन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप हल्के में लेकर चल रहे हैं? नहीं नहीं बिल्कुल 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 अमित जी, बिनोद जी बैठे हुए हैं, राजनीति में अगर कुछ भी घटता है तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उससे जरूर सीखती हैं। और उपचुनाव हम हारे हैं इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उपचुनाव में मायावती जी कभी उत्तर प्रदेश में कोई उपचुनाव बीएसपी नहीं लड़ती है, उसका नुकसान भी समाजवादी पार्टी को पहले भी हुआ है। आपको याद होगा कि डिंपल जी को किस तरह से राज बब्बर ने चुनाव हराया था। तो राजनीति में तो हार जीत चलती रहती है, लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी का मामला आएगा, जब माननीय मोदी जी को लेकर, प्रत्याशा को लेकर कि प्रदेश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो क्या यह तय नहीं होगा कि कांग्रेस उसका नेतृत्व करेगी या उसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश से आएगा, पश्चिम बंगाल से आएगा, या उसका नेतृत्व महाराष्ट्र या साउथ से आएगा, या कोई यजीत देवगौड़ा आएगा? ये तो विपक्ष को बताना होगा। और थर्ड फ्रंट जिस तरह से इमर्ज हो रहा है वो छोड़ दीजिए, आपको भी तो बताना होगा ना। पिछली बार आप सत्ता में नहीं थे तो आपने कहा था कि आप सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे, इस बार आपको लोगों के बीच में जाकर ये बताना होगा कि आपने क्या क्या किया, तो चुनौती आपके सामने ज्यादा बड़ी है। ठीक है कपीश श्रीवास्तव, मेरा सवाल आपसे ये है, आप बार बार जनता को यह संदेश दे रहे हैं कि आपकी लड़ाई सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ है, आप बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं इसलिए आप लोगों ने गठबंधन किया है, तो फिर जनता आपसे सवाल नहीं करेगी कि फिर बाकी जो लोग बीजेपी से लड़ रहे हैं, जो सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं, आपने उनको अपने गठबंधन का हिस्सा क्यों नहीं बनाया, आपने उनको सम्मानजनक सीटें क्यों नहीं दी, आपने कांग्रेस को सम्मान क्यों नहीं दिया, आपने आरएलडी को अभी तक वो सम्मान क्यों नहीं दिया, ओम प्रकाश राजभर भी आपकी तरफ जाना चाहते थे, आपने उनका वेलकम क्यों नहीं किया, ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा ना कपीश श्रीवास्तव? देखिए ऐसा सवाल पूछने का सबको हक है और उत्तर देने का हमारा भी हक है, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि हमसे जो पूछा जाएगा हम बताएंगे। ऐसा नहीं है कि नेगोशिएशंस चले नहीं है या हो नहीं रहे हैं। हाँ। अभी फाइनल चीजें आपके सामने नहीं है, अभी फाइनल बहुत सी चीजें आपके सामने आएंगी और यही क्वेश्चन अन्य दलों के साथ भी होगा, केवल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी से नहीं होगा। और दूसरी चीज, इस राजनीति के अंदर तमाम तरह की चीजें को देखने को मिलती है, प्री पोल होता है, पोस्ट पोल होता है, टेक्निकल अलायंसेज होते हैं, तो सब चीज का आत्ममंथन करने के बाद ही सारे राजनीतिक दल अपने अपने दांव पेच करते हैं। लेकिन जहां तक रह गई बात, हम आपको किनारा बता रहे हैं, लेकिन आप 76 सीटों पर एसपी और बीएसपी लड़ेंगे तो बाकियों के लिए आपने गुंजाइश छोड़ी कहाँ है? राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के लिए आपने 2 सीटें छोड़ी है। नहीं, बाकियों के लिए अभी तो आप स्वयं कह रहे हैं कि कहाँ बात चल रही है। डॉक्टर उमाशंकर पांडे, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। पांडे जी के पास जाऊंगा, कांग्रेस को पूरी 80 सीटें दे देंगे। ठीक है उमाशंकर पांडे जी, क्या ये गठबंधन गुल खिला पाएगा आपको लग रहा है? और खिला पाएगा तो फिर क्या बाद में आपके साथ ही ये गुलदस्ता बन जाएगा या फिर आपके लिए चुनौती बन जाएगा? अमित जी देखिए, सबसे पहले तो ये जो गुलदस्ता है उसके जो फूल हैं वो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की शहादत और बलिदान की उस परंपरा के बाद खिला है जो आजादी के पहले और आजादी के बाद बनाने का सपना कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देखा था। इसलिए जहां कहीं भी गुलदस्ते दिए जाते हैं उस गुलदस्ते में कांग्रेस पार्टी का खून शामिल होता है, कांग्रेस पार्टी का शहादत और बलिदान शामिल होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, गठबंधन इन्होंने किया है, आदरणीय गठबंधन हो गया, आदरणीय राहुल गांधी जी ने। हाँ, अब आप अपने लिए क्या गुंजाइश देखते हैं? अमित जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आदरणीय राहुल गांधी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, उन्होंने बोला कि ये लोकतंत्र है और उनको अधिकार है गठबंधन करने का, हमारे लिए ये चैप्टर क्लोज हो गया है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आदरणीय राहुल गांधी जी की रैलियां फाइनल हो गई हैं पूरे उत्तर प्रदेश में और बूथ लेवल से लेके प्रदेश लेवल तक हमारी तैयारी पुरजोर। 7.5% वोट मिले थे आपको, 2014 में 7.5% वोट आपको मिले थे और 2017 में आप समाजवादी पार्टी की साइकिल पर जब चढ़कर चुनाव प्रचार करने के लिए उतरे, चुनावी मैदान में उतरे, वहां भी आपको शिकस्त मिली। इस बार आप अकेले कह रहे हैं 80 सीटों पर लड़ेंगे? नहीं अमित जी, अमित जी आपका आंकड़ा बिल्कुल ठीक है, लेकिन नहीं, दो आंकड़े इसमें और जोड़ लीजिए तो ये पूरा सही बन जाएगा।
ये लोग कहते हैं कि 2014 उत्तर कांग्रेस के लिए सबसे कमजोर समय था, लेकिन इस कमजोर समय में भी कांग्रेस पार्टी को 12 करोड़ वोट पूरे देश में मिले थे, और भारतीय जनता पार्टी जिसको लोग मोदी लहर कहते हैं उसमें 17 करोड़ वोट मिले थे। एक छोटा सा डिफरेंस था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच वोटों के लिहाज से। मुझे लगता है एक चीज और जोड़ना चाहिए, ये लोकतंत्र है, जनता जिसको आशीर्वाद देती है वही सत्ता पर जाता है। 2009 का चुनाव मुझे लगता है यहां पर जरूर सामने आपको रखना होगा, जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 23 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और उसके बाद सिमट कर दो पर पहुंच गए, दूसरे नंबर पर थी, उसके बाद सिमट कर दो पर पहुंच गए, तीसरे नंबर पर, और भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अमित जी वो चौथे नंबर की पार्टी थी 9 सीटों के साथ। जनता जो चार सीटें छोड़ी गई हैं आशीर्वाद देते, चारों आपको मिल जाएंगी तो आप संतुष्ट हो जाएंगे, या चार में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि आपको चारों मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप लोगों के लिए क्या रास्ता बचता है, किधर जाएंगे, क्या आप कांग्रेस के साथ जाएंगे? निश्चित रूप से बेहद अच्छा और आश्चर्यजनक प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में करने जा रहे हैं अमित जी। इंद्रजीत सिंह जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सीटें कम होंगी या ज्यादा होंगी ये डिसाइड मैं करने की हक में नहीं हूँ, ये हाईकमान करेगा, लेकिन मैंने आपसे ये कहा है नहीं, कार्यकर्ता के नाते आप कार्यकर्ताओं में भी तो कुछ विचार चल रहा होगा ना। कार्यकर्ता जितनी सीटें डिसाइड होंगी, हमारा मेन मोटिव है जो विफलता है बीजेपी की, उन्होंने डिलीवर्ड कुछ नहीं करा, उन्होंने अभी 10% आरक्षण दिया, उन्होंने ये हाल करा है कि आप पूरे चार साल, आप बच्चा जो है स्कूल में एग्जाम देने जाता है पूरा साल नहीं पढ़ता, सुबह पेपर है रात को किताब लेके बैठ जाएगा, वो बच्चा कभी पास नहीं होगा। इन्होंने 4.5 साल कुछ नहीं करा, 2 दिन पहले इलेक्शन ला के 10% में लुभावना वायदा दे के ये सोच रहे हैं कि हम जीत जाएंगे। 29 लाख नौकरियां केंद्र में और स्टेट्स में खाली पड़ी है, वो तो आज तक भरी नहीं गई। आप 10% आरक्षण की बात देना चाह रहे हैं, आप युवा 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे थे, आप 15 लाख देने की बात कर रहे थे। हम जनता के बीच में कम सीटों पर जाए या ज्यादा पे जाए, किसानों कम, के साथ कम सीटों पर जाएंगे तो जितने बड़े बड़े मुद्दे आप उठा रहे हैं इनको कैसे पूरा करवा पाएंगे? मैं बताता हूँ, अभी हाल ही में आदरणीय मुख्यमंत्री यूपी मोदी नगर में आए थे और एक डेडलाइन दे के गए थे कि 31 तारीख तक जो चीनी मिले उनका भुगतान नहीं करेंगी, उनके साथ ये हो जाएगा, उनके साथ वो हो जाएगा, ठीक है। और आज तक कुछ चार सीटों पर लड़कर नहीं दिलवा पाएंगे ना किसान? सर मेरे पास वक्त बहुत कम है, विनोद सर मैं आपके पास आऊंगा सबसे आखिर में, चुनौतियां क्या है सर? अगर मान लीजिए कि कार्यकर्ताओं के भी दिल मिल जाते हैं, नेताओं के भी दिल मिल जाते हैं, तो फिर क्या चुनौती है इस गठबंधन के सामने? चुनौती है गठबंधन के सामने, पहली बात तो पहली बड़ी चुनौती तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को इतना कमजोर भी ना माना जाए, वो उसकी केंद्र में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, 325 उसके विधायक हैं और 73 MPs हैं, नरेंद्र मोदी जी जैसा एक करिश्माई लोकप्रिय लीडर है उनके पास, अमित शाह जैसा एक रणनीतिकार है, उनकी पूरी कोशिश होगी कि किस तरह से वो जो इनका जो गठबंधन का जो आधार है उसमें सेंध लगा करके पिछड़े वोटों में और दलित वोटों में लगाएं, गैर यादव और गैर जाटो दलित वाला जो उनका गणित है, ये एक चुनौती है उसका कैसे मुकाबला करेंगे। दूसरी चुनौती जो है, दूसरी चुनौती है कि कांग्रेस पार्टी अलग लड़ेगी तो कांग्रेस पार्टी जो है अपने उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी में कोई हारने के लिए नहीं लड़ेगी, जितनी ताकत उसकी है पूरी ताकत लगाएगी, उसमें जो है क्या गठबंधन के वोटों का बंटवारा कांग्रेस पार्टी करेगी या भाजपा के वोटों का बंटवारा करेगी, अपनी सीटें किस कीमत पर जीतेगी, ये सब चुनौतियां गठबंधन के सामने भी हैं। तो चुनाव है, चुनाव में हम कोई तरफा नहीं सोचा, हमारे पास इतना ही था, हमने जो सवाल दर्शकों के सामने रखा था उस पर दर्शकों की क्या राय है वो भी सबसे आखिर में हम आपको बता देते हैं। हमारा सवाल ये था कि क्या यूपी में गठबंधन कमाल कर पाएगा, इस पर यूपी के लोगों का क्या कुछ मानना है वो हम बताते हैं। 52% लोग मानते हैं कि हाँ कमाल कर पाएगा, लेकिन 48% लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि यह गठबंधन कमाल नहीं कर पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।